वहीं करनाल में प्रशासन की तरफ से पंचायत भवन में 20 बेड का ऑक्सीजन सपोर्ट वाला मिनी हॉस्पिटल तैयार किया गया है। ये उन मरीजों के लिए होगा जिनका ऑक्सीजन लेवल ठीक नहीं है और उन्हें थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है। इन मरीजों के पास MBBS डॉक्टर से लेकर आयुष डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ देखभाल के लिए मौजूद रहेंगे। ऑक्सीजन की कमी से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो रही है। लगातार अलग अलग शहरों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। वहीं करनाल प्रशासन अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने में जुटा हुआ है। मरीजों का इलाज करते ऑक्सीजन की कमी ना हो इस बात का बखूबी ध्यान रखा जा रहा है। करनाल प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से पंचायत भवन में 20 बेड वाले ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ एक मिनी हॉस्पिटल तैयार किया है। यहाँ उन्हीं मरीजों को भर्ती किया जाएगा जिनका ऑक्सीजन लेवल कई दिन से ऊपर नहीं पहुँच रहा और उन्हें परेशानी बनी हुई है। कोविड केयर होम सपोर्ट सेंटर बनाया गया है। इसमें हमारे पास जो पेशेंट्स आएंगे वो होम आइसोलेशन में पेशेंट्स हैं जिनकी की सुपरविज़न के अंडर वो रह रहे हैं। उसमें जो वो अगर किसी को प्रॉब्लम है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन उनकी मेंटेन नहीं हो रही है घर पे, किसी की 92-93 ऐसे अगर आ रही हैं उस चीज़ के लिए, वो घर में पहले अपना प्रोन पोजिशन है, अलोम विलोम है, वो चीज़ें करें। उसके बाद भी अगर इम्प्रूव नहीं हो रही है तो वहाँ जो सुपरवाइज़र है कोविड होम आइसोलेशन के लिए, उनके थ्रू वो पेशेंट यहाँ आ सकते हैं ऑक्सीजन के। मरीजों को यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी ना हो इसके लिए 6 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर और 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखे गए हैं। मरीजों का अच्छे तरीके से ध्यान रखने के लिए MBBS डॉक्टर से लेकर आयुष डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी मौजूद रहेगा। किसी भी मरीज को यहाँ डॉक्टर की सलाह के बाद ही भर्ती किया जाएगा। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि जिस व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत है वही यहाँ भर्ती हो। अगर यहाँ मरीज का ऑक्सीजन लेवल सही नहीं होता है तो उसे कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। 20 बेड हैं हमारे पास, 20 बेड सब ऑक्सीजन सपोर्टेड हैं, जिसमें कि हमारे पास 15 कंसंट्रेटर हैं और बाकी पे डी टाइप हमने ऑक्सीजन सिलेंडर लगा रखे हैं। यहाँ हमारे पास राउंड द क्लॉक एक MBBS डॉक्टर है और एक आयुष डॉक्टर है, 2 स्टाफ नर्सेज और हमारे पास GDA और हाउसकीपिंग स्टाफ है, पुलिस पर्सनल्स हैं सिक्योरिटी के लिए और बैकअप के लिए जनरेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रशासन की कोशिश है कि कोई भी व्यक्ति इलाज से वंचित ना रहे, इसलिए अब पंचायत भवन, बैंकेट हॉल, धर्मशाला जैसी खाली पड़ी जगहों का इस्तेमाल बेड लगाकर कोविड केयर सेंटर बनाने में किया जा रहा है ताकि बेहतर इलाज मिल पाए। करनाल से विकास महला की रिपोर्ट।